सिद्धार्थ भाई वेलकम टू मुज़ाकरा। थैंक यू सो मच। आपका तो बड़े ही अरसे से इंतजार था। आपका ये पहला मुज़ाकरा था। हाँ जी, पहले जब से मुज़ाकरा शुरू हुआ। सो फाइनली यू आर हियर, वेलकम टू मुज़ाकरा। थैंक यू। आपकी नज़र एक शेयर करना चाहूंगा प्लीज जी, कि मुझको सोच सोच के अक्सर हैरत होती है। मुझको सोच सोच के अक्सर हैरत होती है कि इस दुनिया में ऐसी भी कोई सूरत होती है। okay. और तुम तो मेरी हर बात से परेशान हो जाते हो। आए हुए यार, ऐसे थोड़ी ना मोहब्बत होती है। सोच सोच कर मुझे हैरत होती है। इतनी क्लियर टिंट कैसे हो? इतनी ओ काका चल भी शेर है सामने जेब होंगी। गिटा कला रसगुल्ला होता कहता जो पाकिस्तान बनया ना, मैं डड्डू से समान लद के इधर आया। क्लीन शेव कराइए, सोना पेंट कोट पाया, सुलझिया खोता हुंदा। समोसे च लोग के कहना मैं फरवरी कट रहे हैं। लाठू ते बह के सौरे चला गया। इमरान भाई इनके घर चोर आए ते उठ के उहदे नाल काम ते चल गए। दिल भी निरा फसादी है, इको मुख दा आदि है, ते मैं फाए क्यों कल्ला ही, मैं फाए क्यों कल्ला ही, कसम ते दोवां खादी है। इसलिए कि तू इस काम का आदि। Shehzad looking very handsome. Thank you so much. Different hairstyle, rockstar type look, कोई new character आ रहा है क्या? ये जरा कोई एक script की demand है तो उस दिन। हाँ जी। Thank you. आशा भी मुझे कितना सोना dress पाया। Thank you. लगता school के function चाहिए। क्या? अच्छी लगी। आशा अच्छी लगी। अच्छे कपड़े दी है फायदा होंदा जी। 10 साल रजाई बनाई बाद च सूट बना ले। किसी को तारुफ करवाने की जरूरत नहीं है, ना मुझे आपसे पूछने की जरूरत है कि आपके दिल के करीब सबसे ज्यादा किरदार कौन सा है। कौन सा ऐसा किरदार है जिसमें आपने दिल तोड़ जान तोड़ मेहनत की, जिसका रब ने आपको नतीजा भी दिया? आप जानते हैं कि मुझसे पूछ रहे हैं? मैं जानता हूँ, पूरा पाकिस्तान जानता है। हाँ जी। हम उसका साहिल का किरदार, साहिल हमने तो मैं नहीं करूंगा उसका जिक्र। पूछे क्यों? क्यों? वो इसलिए कि पूरा का पूरा पाकिस्तान जब उन्हें पता चला कि शहजाद शेख आ रहे हैं, ड्रामा खत्म हो गया, अवार्ड मिल गए, दिल को सुकून मिल गया। मुज़ाकरात पे आके सामने वाले कैमरे में खड़े होकर अगर उस किरदार के कुछ डायलॉग्स नहीं दोहराएंगे तो बात नहीं होगा, शो नहीं होगा, शो आगे नहीं बढ़ सकता। सर वो आपका सामने कैमरा खड़े होकर, सर प्लीज मैं आपसे पहले खड़ा हो जाता हूँ। अच्छा, उस किरदार तो अभी काफी टाइम हो गया तो डायलॉग्स मुझे याद कुछ नहीं आ रहे। अम्मी आपसे माफी मांगना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि मैंने बहुत बुरा किया और उसकी सजा भी मिल रही है मुझे, लेकिन प्लीज एक बार मुझसे मिलने जरूर आना, जेल में मुझसे मिलने जरूर आना। अम्मी टाइम आ जाएगा। चल रहा है आपका फेवरेट शो मजा।